छठी माई के घाटावा पोया जनबाजन बजाब हो घरे नहीं बारे मोर सैया हो छठी माई हो खीना सहैया हो। जी मेरा नंबर है 9572234526। आप अभी मेरी मौजूदगी परेवा ढाला LIC ऑफिस के पास हो चुकी है। अभी आपको बता दें कि यहाँ पे आप जो ये पीछे के जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभ आरंभ का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो इसी स्टूडियो के ऑनर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनका नाम जो है मिथिलेश हलचल जी है, और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया कि स्टूडियो खोला जाए, इनका क्या उद्देश्य है, इनके तरफ से क्या कहना है, पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी स्वागत है। जितने भी RBH बिहार देखने वाले भाई मेरे भाई हैं, सब भाई को दिल से धन्यवाद और नमस्ते प्रणाम। जी सर बोलिए, कहाँ से आइडिया आया कि आपको ये स्टूडियो मैंने खोला जाए? ऐसा तो नहीं कि आप भी अश्लील फैलाने के लिए स्टूडियो खोले हैं? देखिए अश्लील फैलाने के लिए इसमें कोई बात नहीं है, अश्लील उश्लील वाला काम ही नहीं होता है, ठीक है ना। और बात रहा कि स्टूडियो खोलने का, तो बहुत सिंगर इधर उधर जा रहा था, भटक रहा था। हमें बोला लोग कि भैया इतना रुपया लग रहा है, उतना रुपया लग रहा है, कोई 1000 रुपया लेता था, कोई 2000 लेता था, कोई 50000 रुपया दे देता था। जी जी। वो सब दुख दर्द दे के हम स्टूडियो खोले। बोले भाई सबसे सस्ता में काम करेंगे, सबसे अच्छा काम करेंगे, तो भाई सब का कुछ तो होगा। जी कुछ तो मगर होगा कि नहीं होगा बताइए। अच्छा ये बताइए, जो बहुत दूर से आपके पास आपके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराने के लिए गाना आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए व्यवस्था तो रहने के लिए है ही है, खाने के लिए ही है। जब हमारे की हमारे यहाँ मेहमान आएंगे तो उसके उसको तो खाना खिलाना पड़ेगा भाई। जी जी। क्या जी। तो एक गाना का चार्ज कितना है आपके स्टूडियो की तरफ से? देखिए एक गाना का तो ऐसे मैक्सिमम है 500 रुपये। अगर उसमें अगर कोई गरीब सिंगर आ रहा है तो उसमें पैसा वैसा हम देखेंगे नहीं, ठीक है ना। उसको हम फुल सपोर्ट करेंगे, अगर उसके अंदर क्वालिटी है ना तो हम खुद सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाने के इति करेंगे, प्रयास रहेगा। जी थोड़ा बजा कर सुनाइए। अब क्या म्यूजिक बजा कर? जी जी कुछ भी सुनाइए, आपका स्टूडियो का आज ओपनिंग हुआ है। अच्छा चलिए चलिए सुनाते हैं सर को। ठीक तैयारी में नहीं है, ठीक है। अभी एक सिंगर का रिदम बना रहे थे, ठीक है, तो उसी को थोड़ा मेलोडी करना था, तो वैसे ही अभी पड़ा हुआ है। तब तक आप आए हैं तो सोचे हैं कुछ बातचीत कर लेते हैं आपसे। एक बार फुल एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई सिंगर आपके पास आना चाहता है तो कैसे आएगा, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। जी मेरा स्टूडियो पड़ेगा एयरपोर्ट रोड रक्सौल, ठीक है, LIC ऑफिस पास आके, और मेरा पूछ लीजिए, इधर कोई भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। एक बार अपना नंबर आप बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 9572234526। आप एनी टाइम इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी 12 बजे रात तक भी हम काम करते हैं, ठीक है, कभी भी। भैया छठ अभी नज़दीक है, थोड़ा छठी माई के लिए एक गीत सुना दीजिए। छठी माई के घाटावा पोया जनबाजन बजाब हो, गुदिया में होई है बालकवा तो रख देवे आईब हो। जी बहुत अच्छा लगा। जी जी बढ़िया है। जी आपके पास अभी सिंगर लोग स्टूडियो में है कि नहीं? आप अभी तो सिंगर तो बहुत है, बहुत सिंगर है सब। होली का तैयारी, जैसे होली का आप गाना आने लगेगा, छठ बाद ना आता है, तैयारी हो रहा है होली का? तैयारी हो रहा है, जी, हो रहा है। ज्यादा अश्लील निकलेगा ही कम अश्लील निकलेगा आपके स्टूडियो से? अब अश्लील क्या, अश्लील वाला काम नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अश्लील हम लोग खुद अश्लील मुक्त कर रहे हैं। हम लोग का वीडियो भी चल रहा है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है म्यूजिक डायरेक्टर मिथिलेश भोजपुरिया, उस पर खुद अश्लील के लिए हम लोग वीडियो विरुद्ध हैं, उस पर निकाल रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं लोग, ताकि भाई अश्लील गंदा ना फैलाए, ताकि वो गंदा फैलाएंगे तो हम लोग पर भी असर करेगा, आगे चल के सरकार उसमें लगा देगा, सेंसर बोर्ड लगा देगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। देखिए भैया बता रहे थे कि अश्लील मुक्त हम लोग अभियान चला रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे थे कि अश्लील के ये लोग भी विरोध करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडियो वाले ऐसे हैं कि चंद पैसे के लिए अपना स्टूडियो का नाम रोशन करने के लिए, ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं,
इसका प्रभाव समाज पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ये तो बहुत पड़ता है भाई, आकाश जगह हम लोग भी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है क्या, मगर तभी भी देखिए गाना इंजॉय वाला गाइए कि इंजॉय आदमी कर सके पार्टी फंक्शन में क्या, तो हम इतना ही जानते हैं कि भाई ऐसा गाना गाइए थोड़ा समाज में बजे क्या जी। अच्छा से नहीं आगे बढ़िएगा तो बुरा करें क्या बढ़िएगा। क्या नाम हो भैया? दीपक पटेल। दीपक पटेल जी, जी गाना गाने के लिए घुसे हैं इसमें? जी सर। थोड़ा गाकर सुनाइए आप। चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे एक सिंगर बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? सिंगर अमित बिहारी, RGH बिहार को न्यूज देखने वाले हैं जितने हैं उन सबको मेरे तरफ से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। आज ही ओपनिंग हुआ है इस ब्रांड स्टूडियो का, इसके बारे में क्या कहिएगा? आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे ऑनर मिथिलेश बाबा उर्फ हलचल जी, जो जितना मेरा गाना यहाँ रिकॉर्ड होता है बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, और अलावा सिंगर से भी कहेंगे कि आइए आप रिकॉर्ड कराइए और यहाँ अच्छा काम होता है अच्छा क्वालिटी में, और गरीब सिंगरों के लिए भी सुविधा है, आप सब आइए। और मेरा एक सॉन्ग आ रहा है छठ का जो सॉन्ग है, गा कर सुना दीजिए थोड़ा। ठीक है। घरे नहीं बारे मोर सोइया हो, घरे नहीं बारे मोर सोइया हो, छठी माई होखी ना सहैया हो, छठी माई होखी ना सहैया हो, सारा धसी करी ले पूजैया हो, सारा धसी करी ले पूजैया हो, छठी माई होखी ना सहैया हो। खोटोला म्यूजिक से आएगा और आप लोग जाइए इस पर और सब्सक्राइब और शेयर लाइक कमेंट कीजिए और अपने भाई को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही देते रहिए, और एक से एक गाना आने वाला है और मेरा भी जात पर गाना आएगा बहुत जल्द। आपके शहर रक्सौल में ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल चुका है जिसका शुभ आरंभ आज ही हुआ है, और आप सब स्टूडियो में आइए और अपना अपना जो गाना है रिकॉर्ड कराइए और रिलीज कराइए। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रचार बनवाना है दुकान से संबंधित, या चुनाव आने वाला है अभी भैया, चुनाव आने वाला है छठ बाद हो सकता है आएगा, नगर परिषद का चुनाव आने वाला है, उसका रिकॉर्डिंग बनेगा? बहुत बना था, अब क्या कीजिए कैंसिल हो गया है, फिर अब बनेगा जी। तो न और शिल्पी राज के साथ भी मिलेगा आप लोगों को देखने का गाना। म्यूजिक लाइन का जितना भी काम है वो सब होता है, डिजाइनिंग फिजाइनिंग सब, वीडियो रिकॉर्डिंग के सुविधा है, वो भी है। हाँ ये देख लीजिए आपके वीडियो का काम, हम लोग 10 वीडियो हो जाता है तब हम लोग काम लगाते हैं, एक वीडियो के लिए खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, बात समझ गए जी। एयरपोर्ट रक्सौल LIC ऑफिस के पास से इतना ही खबर, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।